हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 8 जो है वो बात करता है कि मोटिव, प्रिपरेशन, सब्सिक्वेंट एंड प्रीवियस कंडक्ट के बारे में, कि अगर कोई भी रेलेवेंट फैक्ट है जो शो करता है कि आपका कोई मोटिव था फैक्टिंग इशू को कमिट करने का, या आपने कोई प्रिपरेशन करी फैक्टिंग इशू के लिए, या फिर आपका कोई ऐसा कंडक्ट था पहले या बाद में जो कि शो करता है कि आपने फैक्टिंग इश्यू को कमिट किया या क्राइम को कमिट किया है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए ने सी का मर्डर किया, ये फैक्टिंग इश्यू है। ए ने सी का मर्डर इसलिए किया होगा क्योंकि सी को ये पता था कि ए ने बी का मर्डर कर रखा था। तो यहां पे ए के पास मोटिव था सी का मर्डर करने का। क्या मोटिव था? कि सी किसी को बता ना पाएगी ए ने बी का मर्डर कर रखा था। तो मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है कि एक स्टेट ऑफ माइंड जो एक इंसान को रीजन देती है, किस चीज का रीजन देती है, क्राइम को कमिट करने का। तो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जो किसी पर्सन को एक रीजन देती है कि वो क्राइम को कमिट कर सके। यहाँ पे जो इंटेंशन वर्ड है और मोटिव वर्ड है दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक पर्सन एक टाइगर को मारने की इंटेंशन रखता है कि मैंने एक टाइगर को मारना है, और वो गन से शूट करता है। वो शूट करता है विद इंटेंशन टू किल द टाइगर। लेकिन क्या होता है कि वो जब उसने उसको शूट किया तो कोई एक वहां पे कोई मैन खड़ा था कहीं आसपास, उसको गोली लग जाती है और वो मर जाता है। तो यहाँ पे इंसान की इंटेंशन क्या थी जिसने गन शॉट करी, कि वो उस टाइगर को मारना चाहता है। उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो उस मैन को मारना चाहता है। और उस इंसान का मोटिव ये हो सकता था उस टाइगर को गोली मारने का कि मैं वो अपने आप को उससे बचाना चाहता था। तो यहाँ पे इंटेंशन और मोटिव में डिफरेंस था। उसके बाद अब हमें ये नहीं पता लगा सकते कि एडुकेसी ऑफ मोटिव क्या होता है। अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। एक जैसे एक पर्सन किसी को किसी ने एक पेन नहीं दिया उसके उसके पीछे लड़ाई करके उसको मार सकता है। ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसके लिए वो मोटिव कैसे एक्ट कर रहा है, वो रीजन कैसे एक्ट कर रहा है, कि क्या वो इस मोटिव से, इस स्टेट ऑफ माइंड से इंड्यूस हो रहा है कि वो उस पर्सन को मार सके। जैसे एक हम एक केस से समझते हैं, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस धीरेंद्र कुमार। इसके अंदर क्या होता है कि जो धीरेंद्र कुमार होता है ये एज अ टेनेंट रहने आता है घर के अंदर, और जो टेनेंट जो ओनर होता है उस घर का, उसकी जो डॉटर इन लॉ होती है मुन्ना मुन्नी भाई, उसके ऊपर उसकी गलत नजर होती है। तो वो मुन्नी भाई अपनी मदर इन लॉ को बताती है, और मदर इन लॉ जो है अपने हस्बैंड को बताती है। तो हस्बैंड जो है वो धीरेंद्र कुमार को कहता है कि तुम मेरा जो घर है वो वैकेट कर दो। तो यहाँ पे उसके बाद जो है मुन्नी भाई का मर्डर हो जाता है। तो यहाँ पे एक मोटिव शो हो रहा है कि धीरेंद्र कुमार ने मुन्नी भाई का मर्डर किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि उसके पास मोटिव था, क्योंकि इसके फादर इन लॉ ने मेरे को घर खाली करने के लिए बोला था। और इसके बाद हम जो फैक्टिंग इश्यू है उसके पीछे कोई प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। प्रिपरेशन भी हो सकती है कि कोई प्रिपरेशन करी होगी ये क्राइम कमिट करेंगे, या फिर कोई ऐसा कंडक्ट हो पहले का या उसके बाद का जिससे शो हो रहा हो कि एक फैक्टिंग इश्यू के लिए रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा, कि कोई ऐसा कंडक्ट किया। जैसे मान लीजिए कि ए ने पुलिस को बताया कि बी ने चोरी करी, और जैसे बी को पता चला कि ए ने पुलिस को बता दिया, वो भाग जाता है अपने घर से। तो ये जो उसका कंडक्ट था कि वो अपने घर से भाग जाता है, तो ये शो कर, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है कि वो अपने घर से भाग गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसने वो जो फैक्टिंग इश्यू है उसके लिए उसने क्राइम किया। कई बार बंदा जो होता है वो नर्वस होकर भी भाग जाता है, तो ये जरूरी नहीं। लेकिन ये एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगी कि जैसे ही पुलिस को पता चला कि ए ने पुलिस को बता दिया है कि बी ने चोरी करी, और बी जो है अपने घर से भाग जाता है, तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसने क्राइम किया हो। ऐसी प्रिपरेशन होती है कि किसी ने कोई प्रिपरेशन करी हो तो उससे भी पता चल जाता है, उसको भी हम एक रेलिवेंट फैक्ट मान लेते हैं कि ये फैक्टिंग इशू का एक रेलिवेंट फैक्ट है, कि इससे भी पता चल रहा है कि ये फैक्टिंग इशू के अंदर शायद इस पर्सन ने क्राइम कमिट किया हो। तो ये हमारा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में था।